भारतीय लोकतंत्र के महापर्व में आपने अभी तक कई रंग देखे होंगे और ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ही है जो बाकी देशों से इंडिया को अलग बनाती है। इस महापर्व में हर रोज संयोग बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे संयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत कम देखने को मिलता है। दरअसल राजस्थान के चुनावी समर में दो की संख्या इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटों पर 29 अप्रैल को और 6 मई को मतदान होना है, जहां दो का अद्भुत संयोग बना हुआ है। इस बार चुनाव मैदान में दो साधु, दो मौसेरे भाइयों, दो खिलाड़ियों, दो मुख्यमंत्री के बेटे और पूर्व राजघराने के दो सदस्य इस बार अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं। आइए आपको दो के तिलिस्म को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहले बात दो खिलाड़ियों के करते हैं। राजस्थान की जयपुर ग्रामीण सीट से कांग्रेस ने पूर्व ओलंपियन और मौजूदा विधायक कृष्णा पूनिया को उतारा है, तो वहीं भाजपा ने मौजूदा सांसद और पूर्व ओलंपियन राज्यवर्धन सिंह राठौर को दोबारा मैदान में उतारा है। राठौर ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता था, तो वहीं पूनिया 3 बार ओलंपिक में भाग ले चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर बीकानेर संसदीय सीट पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी ऐसे हैं जो मौसेरे भाई हैं। यहां मौजूदा सांसद अर्जुन राम मेघवाल भाजपा से, जबकि कांग्रेस से पूर्व आईपीएस अधिकारी मदन गोपाल मेघवाल मैदान में हैं। इस अद्भुत संयोग में साधु भी पीछे नहीं हैं, वह भी चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दो के संयोग में जो प्रत्याशी हैं वो दोनों भाजपा से हैं। सीकर से भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद सुमेधानंद सरस्वती को फिर से टिकट दिया, तो अलवर सीट से भाजपा ने बाबा बालकनाथ को उतारा है। वहीं पूर्व राजघराने से चुनावी समर में उतरे प्रत्याशियों की बात की जाए तो भंवर जितेंद्र सिंह के साथ साथ पूर्व विधायक दिया कुमारी का नाम भी इसमें शामिल है। पूर्व जयपुर राजघराने की दिया कुमारी भाजपा के टिकट पर राजसमंद से प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर देवकी नंदन गुर्जर को उतारा है। दो का ये संयोग चुनावी मैदान में उतरे मुख्यमंत्री के पुत्रों का भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जोधपुर सीट से और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा सांसद दुष्यंत का यह चौथा चुनाव होगा। वहीं वैभव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार का एक रोमांचक संयोग दल बदलू प्रत्याशियों का भी बनता है। ऐसे दो उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह और प्रमोद शर्मा हैं। पूर्व भाजपा सांसद मानवेंद्र सिंह इस बार कांग्रेस के टिकट पर बाड़मेर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा से कांग्रेस में आए प्रमोद शर्मा को झालावाड़ 12 सीट से उतारा गया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।